What's up guys? आज हम देखने वाले हैं हथियारों की डिप्लोमेसी। अब अमेरिका भारत से हथियार खरीदेगा, भैया क्या हो रहा है? अमेरिका खुद तो बना ही रहा है, अब इंडिया से क्यों खरीदेगा? देखते पूरी वीडियो। मेजर गौरव सर की है, चाणक्य डायलॉग से 1 2 3 गो। लोग कह रहे हैं कि कर क्या दिया भारत ने, जो कि लीगली बाइंडिंग है, कानूनन भारत को भी करनी पड़ेगी और अमेरिका को भी करनी पड़ेगी। अमेरिका हथियार और एमुनेशन भेज रहा है और अमेरिका के पास खुद कम पड़ रहा है। तो मोदी जी ने चूड़ियां कस दी, बोला कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का गैप है दोस्तों। मैं चाहता हूं ध्यान दें और समझें कि करा क्या है इन लोगों ने। अमेरिका को ये खटकता है कि भारत की 65 से लेकर 68% जो भारत के हथियार हैं वो रूसी है। रशिया कैनॉट सप्लाई यू वेपन्स विच आर फार सुपीरियर टू व्हाट द चाइनीज हैव। यूक्रेन की लड़ाई में काफी हद तक रूस के वेपन एक्सपोज हो गए, लेकिन क्या आपके पास हथियार एवन है? नहीं, क्योंकि आपके 65-68% हथियार रशियन हैं। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स व्हाई द मोदी गवर्नमेंट बॉट द राफेल। आज 26 अगस्त है, नोट द डेट। 26 अगस्त के द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में मेजर गौरव आर्या ने बोला था कि भारत और अमरीका एक मोटी डील साइन करने वाले हैं डिफेंस की, नोट कर लेना। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री अमेरिका गए और आज 26 तारीख का आज तक उनका दौरा है। 23 को गए, 26 को वापस, टोटल 23, 24, 25, 26, 4 दिन का। और कुछ उन्होंने अग्रीमेंट साइन करी है दोस्तों, ऐसी अग्रीमेंट साइन करी है, उसमें से 3-4 हैं। मैं एक से शुरू करूंगा जो सबसे मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यार, दुश्मनों के तोते उड़ गए। लोग कह रहे हैं कि कर क्या दिया भारत ने, ये है क्या मामला? एक ऐसी अग्रीमेंट जो कि लीगली बाइंडिंग है, कानूनन भारत को भी करनी पड़ेगी और अमेरिका को भी करनी पड़ेगी। टू वे। और इसके पीछे राज क्या है, मैं आपको पूरा जियोपॉलिटिकल, देखिए कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती। कोई आदमी बोल दे कि नहीं, भारत को यार ये हथियार पसंद आया, इसने भारत को ले लिया, अच्छा वो हथियार ठीक लगा वो नहीं। Everything has got geopolitics behind it. हर एक चीज का लॉजिक होता है, हर एक चीज का कारण होता है और हर एक चीज में शक्ति प्रदर्शन होता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं राजनाथ सिंह जी ने क्या करा। ये जो अग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट, इसको RDP कहते हैं। ये तकरीबन कुछ देशों के साथ, यानी कि 28 तकरीबन देशों के साथ अमरीका साइन कर चुका है। और ये जो अग्रीमेंट है, ये अमेरिकन कंपनीज, अग्रीमेंट अलाउज, ध्यान से सुनना आप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राजनाथ सिंह जी ने कितना बड़ा काम करा है और हमें क्या फायदा होने वाला है और अमेरिका को हमसे क्या फायदा होने वाला है। अग्रीमेंट अलाउज अमेरिकन कंपनीज टू बाईपास द बाय अमेरिकन स्टैट्यूट सिमिलर टू मेक इन इंडिया। अब जैसे भारत में आत्मनिर्भर भारत है और अमेरिका में है बाय अमेरिकन, ये कानून है अमेरिका में कि, यानी कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं या जो भी खरीदेंगे, राइट, और खासतौर से डिफेंस में आपको अमेरिकन ही सामान खरीदना है। लेकिन अब ये जो अग्रीमेंट हुई है रेसिप्रोकल, इसमें यह हुआ है दोस्तों कि भारत को कानूनन अमेरिका से हथियार खरीदने पड़ेंगे और अमेरिका को कानूनन भारत से हथियार खरीदने पड़ेंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे साहब अमेरिका के पास तो इतनी सॉलिड डिफेंस इंडस्ट्री है, अमेरिका भारत से क्यों हथियार खरीदेगा? पॉइंट, हमारे हथियार अच्छे हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि जो अमेरिका के हथियार हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं, उनसे बढ़िया कोई हथियार बनाता नहीं। अमेरिका क्यों खरीदेगा? दोस्तों, अमेरिका इसलिए खरीदेगा क्योंकि अमेरिका के पास आज की तारीख में हथियारों की कमी है, एम्युनिशन की कमी है। कैसे? वो इस प्रकार से कि अमेरिका सप्लाई कर रहा है इसराइल को, दमादम मस्त कर इसराइल को, यूक्रेन साइड जा रहा है यूक्रेन को। दुनिया भर में अमेरिका हथियार और एम्युनिशन भेज रहा है और अमेरिका के पास खुद कम पड़ गए। इसको सही लगता है कि चलो वॉर हो रही है अपना तो, भारत ने यहां पे बोल रखा है, जैसे वो लोग कहते हैं बाय अमेरिकन, यहां पे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। यहां पे मोदी जी ने चूड़ियां कस दी, बोला कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, सबका सब भारत में बनेगा। अब एक गैप बना दिया, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का गैप है दोस्तों। मैं चाहता हूं ध्यान दें और समझें कि करा क्या है इन लोगों ने, ये पूरा मैटर क्या हो गया। देखिए अब दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो निकाला था और उस वीडियो में मैंने बोला था कि आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूं कि भारत अमेरिकन प्लेन्स खरीदेगा, अमेरिकन हथियार खरीदेगा। आप लिख के ले लो, ये मैंने बोला था खरीदेगा। आप ये देखिए मेरा पुराना छोटा सा क्लिप, और ऊपर देखिए तारीख लिखी हुई है और नीचे मैं लिंक में इसको डाल रहा हूं कि आप अगर किसी को ये डाउट हो कि कब रिकॉर्ड करा है, लिंक जाके आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे कि मैंने किस दिन डाला है वीडियो। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो F-21 ऑफर कर रहा है, बेसिकली F-16 के प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करा गया है, उसमें 5th generation टेक्नोलॉजीज डाली गई हैं, उसमें F-35 का भी DNA है, उसमें F-22 का भी DNA है,
छोटा छोटा पार्ट उसमें डाले हैं, एंड इट इज अ मच मोर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट देन F-16. बेसिस F-16 है लेकिन उसको काफी एडवांस कर दिया गया है. शुड इंडिया टेक अ लुक एट दैट? शुड इंडिया कंसिडर इट? ये सोचने वाली बात है. लेकिन एक चीज तो इंडिया को कंसिडर करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कम से कम एयरफोर्स को डायरेक्टली बात करनी चाहिए कि बॉस ठीक है आप F-21 का काम तो चलाओ, जो आप F-21 की बात कर रहे हो, पिच कर रहे हो, ओके, बट ऑल्सो F-35. सो वी शुड डेफिनेटली एंगेज. और मुझे लगता है कि कोई मतलब होगा जरूर जब पीएम मोदी से मिल चुके हैं वो. अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं उनके CEO, तो कोई बड़ी बात होगी इन दी ऑफिंग और होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. देखा दोस्तों आपने मैंने क्या बोला, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज. अब मुझे तो नहीं पता था कि राजनाथ सिंह जी जाएंगे और राजनाथ सिंह जी ये डील साइन करेंगे, वो डील साइन करेंगे. मैं आपको बताता हूं ये सारी की सारी जो डील्स है ना, इनका पैसे से कम मतलब होता है. यानी सेकंड प्लेस पे पैसा है, फर्स्ट प्लेस पे पैसा नहीं है. फर्स्ट प्लेस पे जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. अमेरिका को क्या खटकता है मैं आपको बताता हूं, और भारत को क्या खटकता है ये पहले समझ लीजिए. अमेरिका को ये खटकता है कि भारत की 65 से लेकर 68% जो भारत के हथियार हैं वो रूसी हैं. अमेरिका कहता है अमेरिकन वेपन्स क्यों नहीं, भारत से पूछता है भाई तुम्हारे इतने वेपन्स रशियन क्यों हैं, हमारे वेपन्स क्यों नहीं. और भारत कहता है कि भाई देखो साफ सीधी बात है, जब हमने बोला था और हम बड़े परेशान थे, हम तुम्हारे पास गए कि भाई हम जितना थोड़ा बहुत पैसा है हमसे ले लो और हमें हथियार दे दो, तो तुमने बोला नहीं यार हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे. उस समय तुम्हारे दिल में पाकिस्तान प्रेम था, तुमने बोला कि नहीं हम पाकिस्तान को हथियार देंगे, हम भारत को क्यों देंगे, जबकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ था, भारत में डेमोक्रेसी थी. आज आप लोकतंत्र की कसमें खाते हैं. भारत ने बोला, उसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले जो गलती हुई खत्म करो उसको, मट्टी डालो, नए सिरे से शुरू करते हैं, हम आपको लेटेस्ट हथियार देंगे. अब भारत क्यों कर रहा है, ये तो अमेरिका कर रहा है, भारत क्यों कर रहा है. दोस्तों ऐसा है, अगर भारत को चीन का सामना करना है तो चीन से बेहतर हथियार चाहिए और टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी चाहिए उनसे तो बेटर. रशिया कैनॉट सप्लाई यू वेपन्स विच आर फार सुपीरियर टू व्हाट द चाइनीज हैव. और मैं एक और बात आपको बताऊं, ये मैं बड़ा खुश होकर आपको नहीं बता रहा लेकिन ये सच्चाई है और इस प्लेटफॉर्म में हम हर समय सच ही बोलते हैं. दोस्तों ऐसा है कि यूक्रेन की लड़ाई में काफी हद तक रूस के वेपन एक्सपोज हो गए, काफी हद तक रूस के वेपन एक्सपोज हो गए. कहां रूस कहां यूक्रेन आज की तारीख में रूस के अंदर. हाँ ठीक है वो नेगेटिव उसके फैक्टर बाद में आएंगे, रूस इनको ठोकेगा, वो उनको ठोकेगा, ये सब लड़ाई में चलता रहता है. लेकिन जितनी आसानी से हमने सोचा था कि रूस रोंद के चला गया यूक्रेन को नहीं पाया, रूस के हवाई जहाज भी गिराए, रूस की आर्टिलरी भी उतनी इफेक्टिव नहीं हुई और रूस के टैंक्स को चुन चुन के जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल ने चुन चुन के रशियन टैंक्स को निकाला है. और इसको देखते हुए भारत के जो लोग हैं, भारत के जो फौज में लोग हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे टैंक्स कहाँ के, हमारे टैंक्स भी तो रशियन है. T-72 T-90 अर्जुन तो दो तीन चार ही रेजिमेंट है ना, दो तीन रेजिमेंट हमारी, हमारे पास कौन से टैंक्स हैं दोस्तों भारत में, हमारे पास तो T-90 या T-72 हैं, ये सारे के सारे रशियन टैंक्स हैं. अगर T-90 टैंक्स को यूक्रेन में इतनी आसानी से टारगेट किया जा सकता है तो अगली लड़ाई में क्या वो T-90 जो इंडियन आर्मी के पास हैं उनको टारगेट नहीं किया जा सकता? विच मीन्स यू नीड बेटर इक्विपमेंट. अगर आपको चाइना के साथ पाकिस्तान एक इट्स अ सैड इनडिफरेंट स्टोरी, मतलब वी आई एम नॉट सेइंग फॉरगेट पाकिस्तान, बट आई एम सेइंग पाकिस्तान टुडे इज नॉट मच ऑफ अ थ्रेट. पाकिस्तान इज अ थ्रेट बिकॉज इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना. इन इटसेल्फ पाकिस्तान इज वर्थलेस, पाकिस्तान का खुद कोई औकात नहीं है. चाइना ने आशीर्वाद दे दिया, किसी ने एक रोटी एक बोटी दे दी, पाकिस्तान उछलने लगा, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है. लेकिन चाइना इज अ वेरी रियल थ्रेट और अगर आपको चाइना से लड़ाई करनी है तो आपको फिर वैसे ही हथियार चाहिए. फौज आपके पास A1 है, जो मैन पावर है आपके पास A1 है, लेकिन क्या आपके पास हथियार A1 है? नहीं, क्योंकि आपके 65-68% हथियार रशियन हैं. दिस वॉज वन ऑफ द reasons why द मोदी गवर्नमेंट bought द Rafale. मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं ना कि सभी मापदंड जितने भी थे, जितने भी फैक्टर्स थे, सब पे Rafale आगे निकला. बिल्कुल ठीक बात है ये, Rafale और Eurofighter दो जहाज थे, उनमें से Rafale बिल्कुल ठीक निकला. पर एक और चक्कर है इसमें, अंदर की बात ये है कि वी हैड टू मूव अवे स्लाइटली फ्रॉम रशियन इक्विपमेंट. उस समय तो कोई लड़ाई नहीं थी यूक्रेन के साथ. उस समय अगर मोदी जी कहते कि ठीक है हमें सुखोई की 10 और स्क्वाड्रन्स चाहिए तो रशिया खुशी खुशी बेच देता, वो तो बेचने के लिए बैठा है. हमने Rafale लिया. एक तो Dassault Aviation के साथ हमारा बहुत पुराना 50-60-70 साल पुराना रिश्ता है. Dassault Aviation के साथ वी हैव अ वेरी वेरी ओल्ड रिलेशनशिप. इंडिपेंडेंस के बाद ये रिश्ता शुरू हो जाता है हमारा. Dassault Aviation वो कंपनी है जो Rafale बनाती है, लेकिन फिर भी हमने Rafale लिया. आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अग्रीमेंट हुई है रेसिप्रोकल अग्रीमेंट, ये भारत को
लेटेस्ट वेस्टर्न, खास तौर से अमेरिकन, ये अमेरिकन के लिए ही है, पूरे वेस्ट के लिए नहीं है, लेकिन आपने देखा हिटलर एंड कोक ने जो भारत के ऊपर बैन लगा रखा, भारत के ऊपर नहीं मतलब नॉन नेटो कंट्रीज, व्हाई शुड आई से भारत के ऊपर, नॉन नेटो कंट्रीज के ऊपर बैन लगा रखा, हम इतना नहीं ये करें, स्पेयर पार्ट नहीं देंगे, बेचेंगे नहीं, वो उसने हटाया। जर्मन की कंपनी है और दुनिया के सबसे बेहतरीन स्मॉल आर्म्स हिटलर एंड कोक बनाती है, सबसे बेहतरीन, उसने हटाया। अब अमेरिका कह रहा है रेसिप्रोकल अग्रीमेंट, हम तुमसे हथियार लेंगे। सबसे पहले अमेरिका, मैं बता रहा हूं आपको, 155 mm के शेल्स लेने वाला भारत से, आप देखना, आपको पता लग जाएगा भारत से क्या ले रहा है। आपको क्या लग रहा है तेजस खरीदेगा? नहीं, इट विल बाय आर्टिलरी शेल्स एंड इट विल बाय आर्टिलरी शेल्स इन द मिलियंस। अमेरिका उसके बाद उनको कहां बेचता है, दैट इज अमेरिकाज हेडेक। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनके साथ हमने रेसिप्रोकल अग्रीमेंट साइन कर दिया, ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज ये है कि जॉइंट सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विश्वेश नेगी एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ऑफ इंडो पैसिफिक एली रैटनर, इन लोगों ने एक डील साइन करी है। यह है मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑफ लियाजोन ऑफिसर्स, मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑफ लियाजोन ऑफिसर्स। इसमें यह मतलब है कि कर्नल रैंक के ऑफिसर्स हवाई हेडक्वार्टर्ड इंडो पैसिफिक कमांड में पोस्ट होंगे, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड इन फ्लोरिडा वहां पे पोस्ट होंगे, और यूएस लेड मल्टीनेशनल मैरिटाइम फोर्स द कंबाइंड मैरिटाइम फोर्स इन बहरेन वहां पे पोस्ट होंगे। यानी कि भारत के अंदर अमेरिकन ऑफिसर्स आके हमारी सेना के बीच में वो लग जाएंगे और यहां पे काम करेंगे, और हमारे फौजी, हमारे कर्नल रैंक के लोग, विच इज लाइक यू कैन कॉल इट मिड लेवल, अगर जो कॉरपोरेट में है यू कैन कॉल इट मिडिल मैनेजमेंट, यू कैन कॉल इट मिडिल मैनेजमेंट। यहाँ के मैं कॉर्पोरेट टर्म्स में बोल रहा हूँ, इट इज नॉट लाइक दैट, बट आपको समझाने के लिए या बेहतर समझने, हमारे फौज के कर्नल्स हैं वो अमेरिका में जाके लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक्सपोजर भी मिलेगा, इंटरऑपरेबिलिटी। देखिए कोर्सेज तो करते ही थे, कोर्सेज तो करते ही हैं, वो लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं, हमारे डिफेंस के एक्सचेंजेस हैं, लेकिन अब प्रॉपर पोस्टिंग होगी जी, 2-2.5 साल के लिए आप जाइए उस अमेरिकन पैसिफिक कमांड में, आपकी पोस्टिंग हो गई, वो वहां पे है, उसका जो बॉस है वो एक अमेरिकन जनरल है, वो जो कर्नल है उसका बॉस कोई अमेरिकन ब्रिगेडियर है, अमेरिकन जनरल है, वो उसकी बात सुन रहा है, वो उसको बता रहा है, और यहाँ पे उल्टा अमेरिकन आ गया, यहाँ पे इसका बॉस इंडियन है। तो ये भी क्रॉस पोस्टिंग होने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बहुत क्लोज अपने एलाइज और बहुत अपने क्लोज जो दोस्त हैं अमरीका, उनके साथ ये करता है। इसके अलावा दोस्तों एक और अग्रीमेंट साइन हुई है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि पूरा जो माहौल चल रहा है ये चल क्या रहा है, आखिर भारत और अमेरिका चाह क्या रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे पहले ये जो सोसा है, सोसा क्या है, सोसा है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, ये इंडिया और यूएस ने साइन कर दिया है। ये डॉक्टर विक रामदास, प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंडस्ट्रियल बेस पॉलिसी, ये जो विक रामदास हैं ये अमेरिका की तरफ से हैं, और समीर कुमार सिन्हा एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल एक्विजिशंस, ये भारत। ये अमेरिका ने 18 देशों के साथ साइन करा है, जिसमें शामिल ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, सिंगापुर, स्वीडन, यूके, इटली, कुछ नाम और हैं इसमें, ये कुछ नाम हैं, और मेंटेन द नेसेसरी सप्लाई चेन रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ नीड। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी लड़ाई के दौरान, अच्छा ये इन्फोर्सिबल नहीं है, ये लीगल नहीं है, ठीक है, जैसे वो रेसिप्रोकल अग्रीमेंट थी कि हम आपसे खरीदेंगे आप हमसे खरीदेंगे, वो लीगल है, वो खरीदनी पड़ेगी, भारत को भी खरीदनी पड़ेगी, अमेरिका को भी खरीदनी पड़ेगी, वो तो एक चैप्टर है। दूसरी चीज़ ये है कि सोसा के तहत आपके जो सप्लाई चेन्स हैं वो मेंटेन करेंगे। अब मैं सप्लाई चेन की आपको एक छोटा सा बताता हूँ, अमेरिका क्या चूरन खिला रहा है और इससे क्या सॉर्ट आउट होगा। आपको पता है ना तेजस नहीं उड़ रहे अभी, मतलब जो हम नए बना रहे हैं वो, क्योंकि उसका इंजन नहीं दिया, इंजन नहीं दिया अमेरिका, वादा करके इंजन नहीं दिया, अब अमेरिका देगा इंजन, वो जी के लटका है। ये जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन आप जानते हैं सप्लाई चेन क्या होता है, कोई भी एक चीज़ बनती है, उदाहरण के लिए जैसे चश्मा है, चश्मे के अंदर स्क्रू है, यहाँ पे एक हिंज है, ये है, ये है, कांच है इसमें पूरा, ये 5-7 फैक्ट्रियों से आते हैं, फिर ये मिलके चश्मा बनता है, पूरा सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन स्टार्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू गौरव आर्या जो कि ये चश्मा पहन रहा है, दैट इंटायर थिंग इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूडिंग रिटेल, इंक्लूडिंग वेयर हाउसिंग, एवरीथिंग इज कॉल्ड द सप्लाई चेन। ये जो सप्लाई चेन में अगर आप एक इसके अंदर से जो व्हील है उसको निकाल देते हैं तो सारा स्ट्रक्चर आपका कलैप्स कर जाता है, वो डिसरप्ट हो जाता पूरा, वो ना करे, आपको प्रॉब्लम ना हो, और आप सप्लाई चेन की जिसको कहते हैं किल्लत हो जाती है कभी कभी, उससे आप लड़ पाएं,
राइट, और आपकी सप्लाई चेन्स रोबस्ट रहे, आपका सप्लाई का मामला रोबस्ट रहे, बिल्कुल सॉलिड रहे, उसको कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस। और ये जो सोसा है इट डील्स विद सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो रेसिप्रोकल के बारे में हमने आपको बताया कि आप हमसे खरीदेंगे, हम आपसे खरीदेंगे, फिर हमने बोला कि क्रॉस पोस्टिंग होगी कर्नल लेवल के ऑफिसर्स की, उनका हमारी तरफ, हमारा उनकी तरफ। और तीसरा मैंने ये बोला है सोसा, यानी कि आप सप्लाई चेन की गारंटी देते हैं, दो इट इज नॉट एनफोर्सेबल, दो ये लीगल लीगली बाइंडिंग नहीं है। आप अमेरिका को ये नहीं कह सकते कि यार तुमने तो बोला था, लेकिन हाँ काफी हद तक इट इज अ ह्यूज सपोर्ट। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से क्या होता है, जियोपॉलिटिकल चीजें हो रही हैं। देखिए दोस्तों मैं कुछ चीजें कहने वाला हूं, हो सकता है थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो, लेकिन मेरा काम है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फर्ज है। आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या अमेरिका ने भारत में कभी तख्ता पलट करने की कोशिश करी होगी? क्यों नहीं, आपको क्या लगता है कि शाहीनबाग अपने आप हो गया? नहीं, चीजें तो भारी ताकतें तो होती हैं। नहीं, शाहीनबाग अमेरिका ने करा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, बहुत रहती हैं इंटरनल चीजें जो सामने वैसे नहीं होती। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक ही स्टेट के फार्मर्स को बड़ा दुख हुआ फार्म लॉस से और बाकी किसी भी स्टेट के किसी फार्मर को दुख नहीं हुआ? और उस स्टेट में भी फार्मर गुनहगार नहीं है, पंजाब का, पंजाब के किसान ने कोई गलती नहीं करी, अड़थियां हैं जो पंजाब के बिचौली है। इसके ऊपर कभी और वीडियो बना के आपको बताएंगे पूरा गेम क्या है। किसान कहीं का गलत नहीं होता दोस्तों, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, किसान कहीं गलत नहीं होता, किसान अन्नदाता होता है। लेकिन ये जो बिचौलिए हैं ना, बिचौलिए ये जहर डालते हैं बीच में, किसी और दिन बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो होता है ना, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, पाकिस्तान में तख्ता, ये अपने आप नहीं होता, ये चीज़ें करवाई जाती हैं। छोटी सी बात, आपने इंग्लिश में हमारे देखा होगा एम्बेसडर वीना सीकरी जी का पॉडकास्ट, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई जो कि इंडियन मीडिया में बहुत कम डिस्कस हुई थी। बांग्लादेश का तख्ता पलट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि साहब जो मुक्ति वाहिनी है, यानी कि उनके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बांग्लादेश के, 1971 की जो लड़ाई लड़ी थी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ, उनके बच्चों को, उनके नाती पोतियों को रिजर्वेशन आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और क्योंकि आरक्षण मिल रहा है इसलिए तख्ता पलट करो। तो भारत ने, भारत में से कई लोगों ने सपोर्ट करा और बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई है। और कई सारे जो लेफ्टिस्ट हैं यहाँ पे जिनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, हवा ही नहीं है इनको, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो स्टूडेंट का मूवमेंट है, स्टूडेंट का मूवमेंट है। भाई साहब, सन 2020 में, यानी कि आज से 4 साल पहले, बांग्लादेश में ये वाला रिजर्वेशन खत्म हो गया था, था ही नहीं, खत्म कर दिया था सरकार ने, इसी सरकार ने जिसको हटाया उसी ने खत्म कर दिया था आज से 4 साल पहले। फिर एक हाई कोर्ट बीच में आई, उसने कूदी मारी बीच में, उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, रिजर्वेशन तो होना चाहिए। फिर यही सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, मैं शेख हसीना की बात कर रहा हूं, ये गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके इसने ये बोला कि साहब हमने तो हटा दिया था रिजर्वेशन, ये फिर से ले आइए हाई कोर्ट वाले, आप इसको रद्द करिए, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आ रहा, आप रद्द करिए। उसके बीच में 2+2=22 हुआ, अमेरिका ने बीच में हमारी कूदी और गेम ओवर हो गया। गेम क्या था? सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, मिलिट्री बेस चाहिए चाइना के खिलाफ। तो दोस्तों ये सारा गेम पाकिस्तान में भी हुआ है, जिस तरीके से इमरान खान को एक दिन थैंक यू बोल दिया और उस बेचारे को जेल में डाल दिया। तो ये सारी की सारी चीजें ऊपर से होती हैं, ये सारी की सारी चीजें मैनेज होती हैं। यहाँ पे भारत कहाँ से आ गया? भारत इस तरीके से आ गया दोस्तों कि अब भारत ने ये तो फैसला कर लिया है कि हमें वेस्ट के हथियार चाहिए, पहली चीज चाइना के खिलाफ, आपको चाइना से बेहतर हथियार चाहिए, और रूसी हथियार जो है चाइनीज से बेहतर नहीं है, नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भाई देखो जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, आपको क्या लगता है दोस्तों, इवन टुडे जो ब्रह्मोस है, इट्स अ वेरी गुड सिस्टम, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, राइट? बट ये भी सच है कि व्हेन वी हैव टू सेल इट टू समबडी, जब हमें किसी और को बेचना है ब्रह्मोस, हमें रूस की परमिशन चाहिए होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में है, हमें रशिया की परमिशन चाहिए बेचने के लिए, राइट? लेकिन रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई, भारत में हथियार का अभाव हो गया, क्योंकि हम लोग रूस पे इतना डिपेंडेंट थे। अब भारत क्या है कि अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है, भारत मेक इन इंडिया तो कर ही रहा है, लेकिन भारत अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रहा है। और ये राजनाथ सिंह जी जो गए हैं अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा दोस्तों इसलिए है कि अब भारत की सप्लाई चेन में एक किस्म का एक्सप्लोजन आएगा इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग चीज़ें। और भारत 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड 2000, अगस्त आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं आपको अगले 4 महीने की बात कर रहा हूँ,
चार महीने के अंदर मीडिया आपको खबर देने वाली है कि अमेरिका के साथ आपने एक मोटी डील साइन कर ली है। आज 26 अगस्त है, नोट द डेट, 26 अगस्त के द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में मेजर गौरव आर्या ने बोला था कि भारत और अमेरिका एक मोटी डील साइन करने वाले हैं डिफेंस की, नोट कर लेना आप। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है जियोपॉलिटिक्स में पैसे का खेल एक तरफ, जियोपॉलिटिक्स का खेल उससे ऊंचा पैसा फिर आ जाएगा, जियोपॉलिटिक्स का खेल उससे ऊंचा। तो दोस्तों यहां पे होता है मेरा वीडियो खत्म, लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं, जितनी भी सर भविष्यवाणी करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स को तख्ता पलट को लेकर हो या फिर क्या आगे डेवलपमेंट, वो एनालाइज करते हैं, मतलब हम भविष्यवाणी सही वर्ड नहीं रहेगा वो, कि जो उन्होंने एनालाइज करी सिचुएशन, फिर उस पर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि फ्यूचर में जाके देखना कि ये चीज जरूर होगी उसमें से, क्योंकि ऐसा नहीं बैठे बैठे मेरे को सपना आया था मैंने बोले, नहीं वो चीजें देखते परखते और उसके बाद। और हाँ, ये जो डील हुई है कि रेसिप्रोकल डील, कि इंडिया के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो खरीदेगा, और ये तो उससे एक हद तक इंडिया को कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे अच्छा पॉइंट ये हो जाएगा कि इंडिया का भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जब लोग देखेंगे कि अमेरिका भी इंडिया से ले रहा है तो बाकी कंट्रीज तो ऑटोमेटिकली बहुत वो झुकाव आ जाएगा उनका कि हाँ इंडिया को प्रेफर करते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स के, क्योंकि एक तो सस्ते मिलेंगे उसको, और दूसरी बात है कि अमेरिका जब इंडिया से लेगा, जब इंडिया अमेरिका से लेगा तो उसमें बहुत एक बूस्टअप मिलेगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वेपन्स हमारे पास होंगे और उसकी जरूरत है। आपकी इमोशंस, आपका पेट्रियोटिज्म किसी भी लेवल पर हो, लेकिन जंग सिर्फ देशभक्ति से नहीं लड़ी जाती, हथियार भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उसके अंदर। ठीक है, आगे वाला जहाज से बम फेंक रहा है, आप नीचे बैठे बैठे ऐसे नहीं कर सकते ना कि भाई तेरे को मार दूंगा मैं, ये कर दूंगा, वो नहीं होता, वो आपको इक्विपमेंट्स चाहिए और वक्त के साथ आपको अडेप्ट करना पड़ता है। अब वक्त के साथ जैसे आज आप देखो फाइटर जेट्स 6th जनरेशन पे भी काम कर रहे हैं लोग, और वही चीज है, आपको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। नहीं तो एक टाइम था लोग तो पहले चले तलवारों से लड़ते थे, आज लड़वा लो तलवारों से, हैं आप तलवार चलाते रह जाओगे, आगे वाला गोली भटका के चल जाएगा। तो वो फर्क पड़ता है कि आप कितना, और वही चीज़ एक गवर्नमेंट का रोल यही होता है कि आप अपने देश को, अपनी डिफेंस को स्ट्रांग करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हो, क्या कदम उठा रहे हो। ये नहीं कि बैठे बैठे अच्छा तुम्हें जहाज चाहिए, अच्छा उनसे ले लेते हैं, चलो ठीक है वो सस्ता दे रहे हो, बात सस्ते की नहीं है यहाँ पर, बात यहाँ पे है टिकाऊ एडवांस्ड और उच्च स्तर के वेपन्स की। तो ये बहुत बढ़िया वीडियो थी, काफी चीज डिटेल में बता ली, और एक जो पोस्टिंग वाली बात बताई सर ने कि हाँ कि वहां के लोग यहाँ पर रहेंगे, यहाँ के कुछ लोग की पोस्टिंग होगी, तो एक एक्सपोजर मिलता है और फिर एक्सपीरियंस आता है कि वो किस तरीके से डील करते हैं कोई सिचुएशन, क्योंकि आपको पता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती है कि मान लो कोई सिचुएशन में आ गए तो जैसे अपने जो कमांडोज हैं तो वो उनके साथ ट्रेन करते हैं, वो हमारे साथ ट्रेन करते हैं, तो वो एक्सपोजर होता है कि वो इस सिचुएशन में क्या टैक्टिक्स लगाते हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं, हमें लगता है बस इंडियन आर्मी यहीं प्रैक्टिस कर रही है या फिर यहीं पर ही अपना ड्रिल्स करती है, नहीं वो हर एक कंट्री से, आपने देखा होगा इजिप्ट की भी एक बार आई थी शायद से मिलिट्री, और अभी साउथ उसके साथ यूएई के साथ भी ड्रिल होती है, बहुत चीज़ें होती है। तो बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, और वही वाली बात कि जियोपॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको ये भी देखना है कि चाइना से भी खतरा है, आपको किस देश से क्या खतरा हो सकता है। तो चाइना आपको पता ही है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत बिलीव करता है और वो टेक्नोलॉजी को लेके बहुत आगे है इंडिया से, नो डाउट। तो हमें भी टक्कर देनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें डिफेंस में देनी ही पड़ेगी, और एकदम से तो हम रातों रात हो नहीं सकते, लेकिन स्टेप 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 लेने पड़ते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।